दुनियापुर से राव आबिद की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियापुर के इलाका मियांपुर में इकरा दफ्तर रियाज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, मैंने हाफिज मजहर अब्बास से अपनी और अपनी वालिदा मामू और खला की रजामंदी से हाफिज मजहर अब्बास से शादी की। मेरा वालिद मेरी शादी किसी बूढ़े के साथ करना चाहता था जो मुझे पसंद नहीं था। मैंने अपनी मर्जी से ये बयान दिया है कि मुझ पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं, जबकि मेरा वालिद मुझे और मेरे शौहर और मेरी फैमिली को कत्ल करना चाहता है। मुझे मेरे शौहर और मेरी फैमिली को DPO लोधरा, RPO मुल्तान, IG पंजाब, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम से अपील है कि तहफ़ फरम किया जाए और मुझे किसी भी किस्म का जानी नुकसान हुआ या मेरे शोहर या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा, तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी थाना सिटी दुनियापुर की पुलिस और DPO लोधरा पर होगी। हमने जो है अपनी मर्जी से शादी की है, मैंने इकरा बीवी से, इकरा बीवी के जो चार्ज है वो उसके हिरासत कर रहे हैं, हमें जान की धमकियां दे रहे हैं, हमें मारने की धमकियां दे रहे हैं, वो कहते हैं हम आपको कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हमें जो है तहफ़ दिए जाए थाना सिटी दुनियापुर थाना सदर दुनियापुर से, हम जो है ना तहफ़ मांगते हैं, हमें तहफ़ दिए जाए और इस मामले को जो है ना देखभाल की जाए। Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.